और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञान वापी में आज तीसरे दिन एएसआई सर्वे चल रहा है। 2:30 बजे से दूसरे चरण का एएसआई का सर्वे एक बार फिर से शुरू हो गया है। आज आधुनिक मशीनों से ये एएसआई सर्वे हुआ है। खबर ये भी सामने आ रही है कि तीनों जो गुंबद हैं उनका एएसआई सर्वे किया गया है। तहखाने और परिसर का भी सर्वे हुआ है। सैटेलाइट से कनेक्टेड GNSS मशीन के जरिए 3G मैपिंग स्केलिंग की गई है और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार को लगाने की तैयारी की जा रही है। 41 सदस्य टीम ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर रही है और अभी 2:30 बजे से दोबारा काम शुरू होगा, 5 बजे तक फिर रहेगा। लगातार ये तीसरा दिन है सेकंड राउंड का, मेजर क्या अपडेट है आज का? कोई मेजर अपडेट नहीं है, सिर्फ साइंटिफिक स्टडी चल रही है। तीनों जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे स्टडी चल रही है, वहाँ पे फोटोग्राफी की जा रही, मेजरमेंट किया जा रही है। तीनों गुंबद के ऊपर वहाँ पे स्टडी की जा रही है। हाँ जी, व्यास जी के कमरे में भी काम चल रहा है, सारे जगह पे टोटल काम चल रहा है, स्टडी चल रही है और ये टाइम लेगी। सारी चीजें चल रही हैं, साइड बाय साइड मेजरमेंट हो रही है, मैपिंग हो रही है, इमेजिंग हो रही है, स्टडी चल रही है, ऐसा ये सारा काम कर रही है और इसमें टाइम लगेगा। तो ज्ञानवापी में एसआई सर्वे चल रहा है, सर्वे शाम 5 बजे तक किसी तरीके से चलेगा। ज्ञानवापी से देखिए News18 संवाददाता राजीव सिंह की एक खास रिपोर्ट। आज एएसआई सर्वे का छठा दिन है, जिसके तहत एएसआई टीम आज सुबह 8 बजते ही ज्ञानव्यापी परिसर में पहुंची और कुछ देर बाद जब हिंदू और मुस्लिम पत्रकार और अधिवक्ता पहुंचे तो सुबह 9 बजते ही एएसआई ने एक बार फिर से ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे शुरू कर दिया है। ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई की टीम आज चौथे दिन जहाँ अब तक स्केलिंग 3D मैपिंग का काम कर रही थी उसको आगे तो बढ़ाया ही है, साथ ही साथ इस स्ट्रक्चर से जुड़े सच को जानने के लिए अब ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार यानी GPR को इंस्टॉल करने की भी तैयारी कर रही है। उससे जुड़े तमाम जो आवश्यक उपकरण हैं उनको मंगाया गया है और जो मौजूद उपकरण हैं उनको इंस्टॉल किया जा रहा है। अगर फिलहाल बात करें तो एएसआई की जो टीम है वो ज्ञानव्यापी परिसर के सभी हिस्सों में एक एक करके जांच कर रही है। इस वक्त सबसे पहले एक जो टीम है वो तीनों गुंबद की जांच कर रही है, जिसको लेकर जिला जज ने ये आदेश दिया था कि एएसआई ये बताए कि क्या जो ज्ञानव्यापी परिसर में तीनों गुंबद बने हैं वो किसी मंदिर की दीवार पर आधारित हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा डायरेक्शन था वो ये था कि जो ज्ञानव्यापी परिसर की पश्चिमी दीवार है उस पर तमाम जो कलाकृतियाँ मिली हैं, जो तमाम हिंदू देवी देवताओं से जुड़े चिन्ह और उनकी मूर्तियाँ मिली हैं वो कितनी पुरानी हैं और उनका नेचर क्या है। को बताते हैं कि ज्ञानवापी के सर्वे में आज यानी कि तीसरे दिन क्या क्या हुआ है। ग्राफिकली आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो एएसआई का सर्वे वो आगे बढ़ रहा है। देखिए, ज्ञानवापी के गुंबद तक पहुंची एएसआई, आज जो तीन गुंबद है वहां पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम है वो पहुंची हुई है। तीनों गुंबद का एएसआई सर्वे किया जा रहा है, रिसर्च की जा रही है, मैपिंग की जा रही है और इस बीच देखिए तहखाने और परिसर का भी सर्वे किया गया है। तो देखिए टेक्नोलॉजिकली जो है, साइंटिफिकली जो है, लगातार सर्वे आगे बढ़ रहा है। सर्वे के लिए आधुनिक मशीन लगाई गई है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आधुनिक मशीन से 3D मैपिंग भी की गई है, तो 3D मैपिंग का तकनीक जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। GPR मशीन का भी इस्तेमाल होगा, ये भी जानकारी मिल पा रही है। शाम 5 बजे तक ये पूरा सर्वे चलेगा, तो GPR मशीन का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने एएसआई सर्वे पर कहा है कि सर्वे से जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय जिला न्यायालय ने, सबके आदेश के क्रम में एएसआई के द्वारा सर्वे हो रहा है और मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं, शिवभक्त के रूप में भी करता हूं। जो भी मिला हो मुझे भी ये नहीं मालूम है, लेकिन सर्वे हो रहा है तो बहुत कुछ मिलेगा और जब अधिकृत रूप से एएसआई के द्वारा रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो वह और भी सच्चाई सबके सामने आएगी और विश्वास है मुझे कि सत्य की जीत होगी। तो एएसआई सर्वे का आज तीसरा दिन है, लेकिन कल भी एएसआई का सर्वे हुआ था। खबर है कि तहखाने की मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। बताया ये गया है कि एएसआई की 5 टीमों ने ज्ञानवापी हॉल, तहखाने, पश्चिम दीवार, बाहरी दीवार और सेंट्रल के मैप भी तैयार कर लिए हैं, साथ ही गुंबद की भी मैपिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो तस्वीरें हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं ये तस्वीरें तहखाने और दूसरी जगह की तस्वीरें हैं,
वहीं हिंदू पक्ष ने तहखाने में 4 फीट की मूर्ति मिलने का भी दावा किया है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये कल की तस्वीरें हैं, क्योंकि आज जो है तीनों गुंबद का ASI सर्वे हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं ये तहखाना और दूसरी जगह की तस्वीरें हैं। हिंदू पक्ष ने तहखाने में 4 फीट की मूर्ति मिलने का भी बड़ा दावा किया है और तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं जो नक्काशियां हैं या जो मूर्ति है, हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 4 फीट की मूर्ति मिली है।